Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. कोविड को लेकर हो रही एक सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने कार में अकेले ड्राइव कर रहे व्यक्ति के लिए मास्क पहनने की अनिवार्यता को बेतुका करार दिया है। जस्टिस विपिन सांघवी और जस्टिस जसमीत सिंह के बेंच ने इस मामले पर टिप्पणी देते हुए एब्सर्ड शब्द का इस्तेमाल किया है। कोर्ट की यह टिप्पणी तब आई जब दिल्ली सरकार की तरफ से अपीयर हो रहे वकील राहुल मेहरा ने पूछा कि क्या कार में मास्क की अनिवार्यता के खिलाफ एक ऑर्डर दिया जा सकता है। इस पर बेंच ने कहा कि यह दिल्ली सरकार का ही फैसला है, तो आपने इसे वापस क्यों नहीं लिया। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने अप्रैल 2021 में खुद ही यह ऑर्डर दिया था। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने एक पिटीशन जिसमें कार में मास्क न पहनने के दौरान फाइन को चैलेंज किया जा रहा था, उस पर टिप्पणी देते हुए कहा कि कार भी एक पब्लिक प्लेस है जहां कोविड रूल्स अप्लाई होते हैं, मास्क आपके लिए एक सुरक्षा कवच है। वकील राहुल मेहरा द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के इस पुराने ऑर्डर को पॉइंट आउट करने के बाद कोर्ट ने पलटवार करते हुए यह कहा कि यह नियम अब तक लागू क्यों है। इस पर जवाब देते हुए राहुल मेहरा ने यह कहा कि यह ऑर्डर चाहे दिल्ली सरकार की हो या फिर कोर्ट की, यह खराब है और इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। इस पर बेंच ने एक बार फिर से पलटवार करते हुए कहा कि अगर यह खराब है तो फिर आप इसे वापस क्यों नहीं ले लेते। आखिर कार में अकेले ड्राइव करते हुए भी मास्क की अनिवार्यता का फैसला सही है या गलत, इस पर हमने दिल्ली के लोगों से भी बात की कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। When a person is inside the car, okay, and you are asking them to wear the mask, it doesn't make any sense. So, see, at the end of the day, wearing the mask is to protect yourself and you don't let others to be, you know, infected by this virus, right? But in the car, no one is there. And since you are alone inside and you've been, you know, completely, you know, inside the car, and how you can forcing the citizen of India, you know, wearing the mask inside the car, it doesn't make any sense. मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई भी चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं तो लॉजिकली फॉलो करना चाहिए। अगर कोई अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है और अकेला है और वो उसे मास्क की क्या ज़रूरत है, वो उसका किसी से डिस्टेंस 6 फीट से ज़्यादा ही तो होगा ना, तो उसको इसके बजाय जो रेड लाइट पे बिना मास्क के भीख मांगने वाले बच्चे होते हैं या जो भिखारी होते हैं, तो उनको उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वही लोग मास्क लगाए। हाई कोर्ट ने सरकार को कहा है कि फैसला वापस लीजिए, आप कैसे देखते हैं? जी सही बात है, सर अगर हाई कोर्ट ने ये बोला तो सही बोला है। अगर गाड़ी में हम इकले हैं और शीशे लॉक हैं गाड़ी के, तो मास्क की क्या जरूरत है? तो ये इसका आप कहीं से भी कोई सेंस नहीं मानते हैं? नहीं, इसका कोई सेंस नहीं है सर। अगर गाड़ी में हम इकले हैं, गाड़ी में कोई नहीं है, शीशे लॉक हैं गाड़ी के, तो मास्क की क्या जरूरत है? कोई सेंस नहीं है इसका। मतलब कि कोई भी रूल बने, अगर अच्छी बात है उसको फॉलो करना चाहिए, पर ये भी ध्यान देना चाहिए कि वो जो रूल फॉलो करते हुए उसमें थोड़ा लॉजिक का भी यूज हो। यू नो इट डजंट मेक एनी सेंस, यू नो लॉजिकली देयर इज नो रीजन इन दैट, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली सरकार दोनों इस नियम के खिलाफ हैं तो इसे वापस लिया जाता है या नहीं, क्योंकि शुरुआत से ही दिल्ली के लोग इसके लॉजिक पर सवाल उठाते हुए इसके खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे थे और इसकी वजह से लगने वाले फाइन से भी परेशान थे। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश दिल्ली से। इट्स ग्रेट टू सी यू हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू मोजो स्टोरी एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट रोबस्ट जर्नलिस्ट।